बेटी आपके पापा आपके पास बैठे हैं और आप टीवी देख रही हैं। चलो मैं तुम्हें आज एक अपनी रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया था। एंटर हुए ना जंगल में, सबसे पहले आपके पापा का सामना हुआ एक शेर से। आपके पापा के हाथ में थी एक राइफल। मैंने सोचा शेर बेचारा बिल्कुल निहत्ता है, उसके पास तो कोई राइफल नहीं है। आपके पापा के पास राइफल थी, मैंने साइड में फेंक दी। मैंने कहा मुकाबला होगा तो बराबरी का होगा, वरना ऐसे कैसे होगा भाई, तुम्हारे अब्बा भी बहुत बहादुर थे भाई। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, अब शेर मेरे सामने, हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने। शेर करीब आ रहा, मैं उसके करीब जा रहा, मैंने उसका जबड़ा पकड़ा और यूं चीर दिया, शेर वहीं ढेर हो गया। उसके बाद मैंने उतारी उसकी खाल ऐसे ऐसे करके, सर्दी बहुत थी, उसकी खाल पहनी, आगे बढ़े, मजीद शिकार किए, खूब इंजॉय किया और वापस आ गए। फिर वो शेर की खाल कहाँ है, मुझे भी दिखाएं। तो बेटा खाल आते हुए उसको वापस कर दी ना, नंगा पड़ा था बेचारा, शेर को भी तो सर्दी लग सकती है ना बेटा। पापा बस कर दे, अब इतनी लंबी भी मत छोड़ो। बेटी मैं सच बोल रहा हूँ, चलो एक काम करो तुम टीवी देखो, टीवी देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बैठे। जी सर फरमाएं। यार मुझे एबीसी टावर में ना फ्लैट्स दिखाइए। सर फ्लैट्स या बस एक फ्लैट? अरे यार आपके भाई का कोई भी काम ना बगैर एस के होता नहीं है, तो फ्लैट्स दिखाइए आप। सर मिल जाएगा, कौन से ब्लॉक में? कोई भी ब्लॉक जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हो। सर ब्लॉक एल कैसा रहेगा? एल? यार एल थोड़ा अजीब सा अल्फाबेट नहीं है, ब्लॉक जेड में नहीं है आपके पास? सर ब्लॉक जेड में भी मिल जाएगा, 3 बाय DD आपको 80 लाख रुपए का पड़ेगा। बस 80 लाख रुपए? यार एक काम करें, पूरे ब्लॉक की प्राइस बताइए मुझे। बेसिकली मैं अपनी लाइफ में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूँ, बच्चों की ची ची पाँ पाँ ऐसे रोते हैं ना यार, डिस्टर्ब करते हैं। एक फ्लैट में आपका भाई बनाएगा जिम, एक में बनाऊंगा गेमिंग जोन और सिर्फ सेपरेटली मेरे लिए होंगे, एक फ्लैट रखूंगा खाली, भूखे नंगे कजन है ना वो आके रहेंगे और लॉबी में खेलेंगे हम लोग क्रिकेट, और एक फ्लैट में तो मैंने डिसाइड किया हुआ है यार। हाँ लड़के पहुंच गया डिस्को बोर्ड, तूने तो 20 मिनट का बोला था मुझे, इतनी देर में मैं फ्लैट खरीदने आ गया। फ्लैट का क्या सीन है मैं बताता हूँ, चल ठीक है मैं आ रहा हूँ। समझ गया मेरे भाई, ब्लॉक जेड हो गया अब मेरा, कल मैं आ रहा हूँ टोकन लेके, मिलते हैं सही है। ओ छोड़ू भाई मोबाइल रह गया आपका। अबे यार ये मोबाइल वोबाइल क्या है भाई, डिस्पोजेबल चीजें, आज यूज करता हूँ कल फेंक दूंगा, परसों नया ले लूंगा। क्या मंगाना है फिर? अबे दो कट बोल दे यार। हाँ दो कट है। लो आ गए छोड़ो। हाँ भाइयों क्या बातें चल रही हैं? हम कहाँ बातें करते हैं यार, बातें तो सारी आपकी होती हैं। तू सुना क्या चल रहा है आजकल? बस यार अभी आपका भाई फरारी का सौदा करके आ रहा है 3 में। 3 करोड़? अच्छा 3 तो अभी गाड़ी में लग गए ना, अभी उसको मॉडिफाई भी कराना है, 20-25 उसमें लग जाएंगे। यार जब तू फरारी चलाता है तो तेरे अब्बा तो प्राइवेट जेट चलाते होंगे। समझ गए अपने भाई का तुम लोग दिमाग है, अपने अब्बा को प्राइवेट जेट दिला रहा है आपका भाई, वो नहीं अपना अल्लू अर्जुन, उसके बाद जो प्राइवेट जेट है ना उसका नया मॉडल दिला रहा हूँ अब्बा को। दही भाई लेने जाते हैं ना यार, आना जाना आसानी से हो जाएगा। जबरदस्त यार, यानी 2 मिनट के लिए राउंड तो दे यार, 5 स्टार चौरंगी पे ससुराल है भाई का, वहाँ भरम मार के आएगा भाई। अरे भाई सबको राउंड देगा यार आपका भाई, पहले आने तो दो ना यार। यार ये तुम लोग किस जगह पे बैठ गए, इतना शोर हो रहा है, चीख चीख के बोलना पड़ रहा है, चाय वाय पीनी हो अगर पीसीबीसी में जाया करो यार। वैसे टेंशन नहीं लो, आपके भाई का ना इस रेस्टोरेंट के मालिक से सौदा भी चल रहा है, थोड़े दिनों में अपना हो जाएगा, प्राइवेटली बैठा करेंगे। भाई आप बात कर रहे थे रेस्टोरेंट खरीदने की, फिलहाल रेस्टोरेंट बाद में खरीदना, अभी हमने 2 कट मंगवाए उसके पैसे दे देना। यार याद आया भाई, अब्बा ने बुलाया था मुझे, ओहो टाइम भी हो गया जाने का, वो अपना इमार नहीं क्लिफ्टन पे जो है वो पूरी बिल्डिंग का सौदा चल रहा है, सबसे पहले खरीदते ही ना आपका भाई उसका नाम चेंज करेगा, इमार से हटा के चमार। मैं निकलता हूँ यार, अब्बा नाराज हो जाएंगे, समझा करो। ओके ले लो, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, चाय मंगवा यार तू। ओ भाई लिया यार। अरे यार एक तो ये ड्रामे वाले भी ना बड़े छोड़ू होते हैं यार, आप भी तो छोड़ुओं के सरदार हैं, शादी से पहले कहा था तुम्हें पाकिस्तान टूर पे लेके जाऊंगा, कराची भी सही से नहीं घुमाया। अरे बेगम तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए दुबई प्लान कर रहा है यार, तुम कराची की बात कर रही हो, पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पहले हम जाएंगे दुबई, उसके बाद हम जाएंगे वहां से टर्की, और टर्की के बाद कहीं और निकल जाएंगे, वैसे भी तुम्हें तो पता ही ना तुम्हारे ससुर को मैं दिला रहा हूँ प्राइवेट जेट, थोड़े दिन के लिए मांग लेंगे और क्या है। अगर मुझे शादी से पहले पता होता ना कि मेरी शादी जिससे होने जा रही है वो इतना बड़ा छोड़ू है, तो मैं क्या करती, मैं UK सेटल हो जाती अपनी फैमिली के साथ, वहाँ हमारी कई गाड़ियाँ हैं, कई प्रॉपर्टीज़ हैं, और तो और हमारा गोल्फ क्लब है। अरे बेगम
और मेरे नाम की वहाँ एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है। मैं वहाँ की रानी होती और राजाओं की लाइन लगी होती। बेगम मैं हूँ तुम्हारा राजा। फिर उनमें से किसी राजा से मेरी शादी हो जाती और मैं अपनी ऐश और आराम से ज़िंदगी गुजार रही होती। खूब घूमती, खूब फिरती, खाती पीती, नहाती धोती। लगता है मेरी बेगम भी मेरी तरह छोड़ू हो गई है। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेगम, बेगम रुको तो सही यार।